नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन उप्पल और आप देख रहे हैं सेहत और लाइफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको VDRL टेस्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि VDRL टेस्ट क्या होता है, यह टेस्ट क्यों किया जाता है और इस टेस्ट के टेस्ट रिजल्ट का क्या मतलब होता है। VDRL टेस्ट का पूरा नाम है वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। यह टेस्ट साइफिलिस नाम की बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। साइफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। यह बीमारी एक बैक्टीरिया के कारण होती है जिसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। लेकिन VDRL टेस्ट खून में इस बैक्टीरिया का पता नहीं लगाता है, बल्कि यह उन एंटीबॉडीज़ का पता लगाता है जो हमारा शरीर इस बैक्टीरिया के खिलाफ बनाता है। जब यह बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है। यह टेस्ट खून में इन्हीं एंटीबॉडीज़ का पता लगाता है। अगर यह एंटीबॉडीज़ हमारे खून में पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे खून में यह बैक्टीरिया मौजूद है। आपका डॉक्टर आपको यह टेस्ट करवाने के लिए बोल सकता है अगर उसको लगता है कि आपको यह बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का पहला लक्षण होता है एक छोटा सा लाल रंग का धब्बा जिसमें कोई दर्द नहीं होता। यह लाल निशान आपके प्राइवेट पार्ट पर हो सकता है या टॉयलेट वाली जगह पर हो सकता है और यह मुँह के अंदर भी हो सकता है। अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसका नॉर्मल चेकअप करने के लिए भी यह टेस्ट किया जाता है, जो बाकी दूसरे टेस्टों के साथ आम तौर पर सभी का किया जाता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो डॉक्टर साइफिलिस के लिए भी आपका VDRL टेस्ट करवा सकता है। अगर आपके टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको साइफिलिस की बीमारी नहीं है, और अगर टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको साइफिलिस की बीमारी होने के चांसेस हैं। लेकिन पक्का यकीन करने के लिए डॉक्टर और टेस्ट करवाएगा। लेकिन कुछ मामलों में VDRL टेस्ट का रिजल्ट गलत भी आ सकता है, जैसे अगर साइफिलिस का इन्फेक्शन हुए 3 महीने से कम समय हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी को इन्फेक्शन के खिलाफ रिस्पॉन्स दिखाने में कुछ समय लग सकता है। कुछ दूसरी बीमारियां भी VDRL टेस्ट के रिजल्ट को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे HIV, लाइम डिजीज, मलेरिया, कुछ तरह के निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस यानी TB। ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया के खिलाफ आपकी बॉडी एंटीबॉडीज ही ना बनाए। ऐसे केस में भी VDRL टेस्ट का रिजल्ट गलत आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि साइफिलिस का इलाज होने के बाद भी लंबे समय तक यह एंटीबॉडीज आपके शरीर में मौजूद रहें। ऐसे केस में भी VDRL टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जबकि बीमारी का इलाज हो चुका होगा और आपके शरीर में बीमारी नहीं होगी। लेकिन इन सब के बावजूद VDRL टेस्ट एक भरोसेमंद टेस्ट है और यह बीमारी का पता लगाने के लिए पहला कदम होता है। आपके टेस्ट का सही में क्या मतलब है, इसके लिए अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें। मुझे आशा है कि आप VDRL टेस्ट के बारे में जान गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।